एक ऐसा आदमी जो पूरा एरोप्लेन खा गया और बार्बी डॉल जैसा दिखने वाला एक लड़की और इस शख्स को खाना खाने की नौकरी मिली और पुराने किताब के पन्ने क्यों पीले रंग की हो जाती है और अब हम सांस ना लेकर भी कैसे जिंदा रह सकते हैं और एक कपल जो लोगों को मारकर उनके अचार बनाकर खाते थे। तो इन सभी फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नंबर 21, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होती है, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता है वो है कि इनमें से 3 राजा का तो मूंछ है लेकिन एक राजा का मूंछ नहीं होते और वो राजा है किंग ऑफ हार्ट। नंबर 20, दोस्तों इस दुनिया में एक नौकरी मौजूद है जिसको बहुत ही खतरनाक नौकरी माना जाता है और वो है खिड़कियों का कांच साफ करना। अब इसे सुनकर सभी लोग हंसेंगे और बोलेंगे ये कौन सा खतरनाक काम है, लेकिन जब मैं बताऊं कि वो खिड़की दुबई की ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की 2400 खिड़कियां है जिसे साफ करने के लिए 3 महीना लगता है और काम खत्म होने के बाद उसे फिर से शुरू करना पड़ता है, मतलब वो काम खत्म होने के बाद उन्हें फिर से वो काम दोबारा शुरू करना पड़ता है। नंबर 19, वाईफाई चैन नाम की इस चाइनीज लड़की ने एक ऐसा गन बनाया है जिसमें इस्तेमाल होने वाला बुलेट आंखों के आंसू है। दरअसल वाईफाई चैंग ने एक ऐसा तकनीक का गन बनाया है जो आंखों के आंसू को बुलेट में बदल सकता है और वो आंसू से बना हुआ बुलेट रियल बुलेट की तरह खतरनाक है। नंबर 18, एक भारतीय व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का एक देश है और वो भी भारत के बाहरी कंट्री में, दरअसल अफ्रीका में स्थित बीर तामिल नाम की एक सूखाग्रस्त इलाका है जहाँ की जमीन बंजर है। 2060 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जमीन पर आज तक कोई भी देश अपना दावेदारी नहीं की है और ना ही कोई देश उस पर अपना हक जताता है, लेकिन 2017 में भारत के रहने वाले सुहास दीक्षित ने इस जगह को अपना देश घोषित किया था और उस जगह का नाम किंगडम ऑफ दीक्षित रख दिया गया। नंबर 17, अक्सर लोगों कार चलाते समय कार में गाना सुनते हुए देखने को मिल जाएगा, लेकिन कैसा होगा अगर आप जिस सड़क से जा रहे हो वो सड़क ही आपको गाना सुनाए? तो ऐसे ही एक सड़क इस दुनिया में मौजूद है। जापान के शहर माउंट फूजी जाते समय बीच में मेलोडी नाम की एक सड़क पड़ती है जहां आपकी कार की रफ्तार के हिसाब से म्यूजिक की धुन बढ़ती और घटती रहती। नंबर 16, अगर आपको लगता है कि आईफोन को कोई हैक नहीं कर सकता तो आप गलत हो, क्योंकि चाइना में हर साल एक कंपटीशन होती है जिसमें कई अलग अलग देश से अपनी स्किल को दिखाते हैं। साल 2022 में भी वो कंपटीशन हुआ और एक हैकर ने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर आईफोन 13 को हैक कर दिया था। नंबर 15, इनसे भी इसका नाम मार्टिन लोरेलो है जिसे मानव उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। मार्टिन लोरेलो जर्मन से बिलोंग करती है जो साल 1885 में पैदा हुआ था। पैदा होने के साथ ही उन्होंने एक अद्भुत शक्ति का प्राप्त किया था। लोरेलो अपनी सिर को 180 डिग्री तक घुमाने की क्षमता रखती है। उन्होंने पहली बार एक प्रोग्राम के दौरान स्टैंड को स्टेज में किया था जिसे देखकर काफी ऑडियंस डर गई थी। नंबर 14, कैसा होगा अगर आप एक ही घर में बैठकर दो देश के बॉर्डर में से आ जा सकते हो? तो इसे सुनकर सभी लोग सोचेंगे लेकिन ये संभव है। नीदरलैंड और बेल्जियम का बॉर्डर एक मकान के अंदर है और ये सिर्फ सांकेतिक अक्षरों से समझा जा सकता है कि वहाँ दो देश की सीमाएं है। नंबर 13, आप तो बार्बी डॉल खिलौने के बारे में जरूर जानते होंगे जिसे घर के छोटे बच्चे लेकर खेलती है, लेकिन इस दुनिया में मौजूद एक लड़की जो दुनिया भर में बार्बी डॉल नाम से मशहूर है। दरअसल यूक्रेन में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम वैलेरिया लुकानोवा है जिसको बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी दिखती है और उन्हें देखकर लोग धोखा खा जाते हैं। पहली बार देखकर उन्हें पहचान पाना मुश्किल है जो आप इस तस्वीर में देख सकते हो। नंबर 12, दोस्तों आपने तो ऐसे केसेस तो जरूर देखे होंगे जहां अपराध करने पर अपराधियों को सजा दिया जाता है, लेकिन साल 2011 में एक बंदर को गिरफ्तार किया गया वो भी पाकिस्तान में, क्योंकि वो बंदर भारत की बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गया था इसलिए। नंबर 11, कैसा हो अगर आपको खाना खाने के बाद पैसा ना देने पड़े, उल्टा आप जिसे खा रहे हो वो आपको पैसा दे? इनसे मिलिए, इसका नाम जॉन हैरिसन है जो अमेरिका की एक आइसक्रीम कंपनी में काम करती है। हैरिसन आइसक्रीम को टेस्ट करके कंपनी को बताते हैं कि वो आइसक्रीम मार्केट में चलेगी या फिर नहीं और इनकी बताई बात सच हो जाती है। इसके लिए आइसक्रीम कंपनियों ने हैरिसन को पैसे देकर आइसक्रीम की टेस्ट करने की नौकरी पर रखा है और उन्होंने अपनी जीप का लगभग 4 करोड़ का बीमा करवाया हुआ है। नंबर 10, अगर आप गूगल अर्थ पर इसे सर्च करते हो तो आपको एक विशाल पिंक कलर की बनी देखने को मिल जाएगा जिसकी साइज लगभग 180 फुट 95 मीटर का है, लेकिन सवाल यह है कि वो इतना बड़ा बनी उस पहाड़ के ऊपर पर आई कैसे? दरअसल साल 2005 में जिलेटी नाम की एक समुदाय ने एक विशाल गुलाबी बनी को उस पहाड़ के ऊपर बनाया था। नंबर 9, भारत के छत्तीसगढ़ में एक कैफे मौजूद है जिसे गार्बेज कैफे बोला जाता है। इसके पीछे का वजह है, इस कैफे में आप बिना पैसे दिए खाना खा सकते हो लेकिन पैसे के बदले आपको कचरा देना पड़ेगा। इसके अंतर्गत नगर निगम के गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले खाना दिया जाता है। 1 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले आप एक बार भरपेट खा सकते हो, जबकि 500 ग्राम प्लास्टिक के कचरे देकर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। नंबर 8, एक ऐसा इंसिडेंट हुई थी जिसे सुनकर आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है। दरअसल 11 तारीख को 11 महीने में और साल 2011 में सुबह के समय एक टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 11:11 पर 111
11 रन चाहिए थी। मतलब आप सोच सकते हो कि यार कोइंसिडेंट भी हो सकती है। नंबर 7, अगर आपके घर में कोई पुराने किताब हो तो उसे खोलकर देखना कि ज्यादातर पन्ने पीला रंग के हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है ऑक्सीडेशन। असल में किताब के पन्ने हवा में स्थित ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, जिसके वजह से पन्ने में मौजूद हाइड्रोजन निकल जाता है और रंग बदल जाती है और किताब के पन्ने का रंग पीला हो जाता है। नंबर 6, अब आप सांस ना लेकर भी जिंदा रह सकते हो। दरअसल ज्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन और पर्यावरण बदलने की वजह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहा है, जिसके बदौलत हर जीव की सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन से भरे माइक्रो पार्टिकल को खोज कर लिया है, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से नसों में उतारा जा सकता है, जिसके चलते हम बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकते हैं, जो आने वाले फ्यूचर में आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। नंबर 5, अगर कोई इस जगह पर जाती है तो उसकी मौत निश्चित है और सरकार ने शाम 6 बजे के बाद यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगाया दिया है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के भानगढ़ किले की, जो करीब 300 साल से एशिया का सबसे खतरनाक भूतिया जगह माना जाता है। अगर कोई शाम 6 बजे के बाद जो भी इस किले के अंदर जाती है वो कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। गौरव तिवारी नाम की एक व्यक्ति ने वहाँ एक रात गुजारी थी, लेकिन इसके ठीक एक महीने के बाद उसकी रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई थी। नंबर 4, अभी आप जो तस्वीर भी देख रहे हो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो एक 20 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा पत्थर है। वो पत्थर पिछले 1200 साल से एक ठेलन वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री एंगल पर बिना लुढ़के ही टिका हुआ है और वो पत्थर को 7 हाथियों से खींचने के बाद भी हिलाया नहीं जा सका। वो पत्थर चेन्नई के महाबलीपुरम में स्थित कृष्णा के बटर बॉल नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 3, इनसे मिलिए। इसका नाम है मिशेल लोटिटो, जो फ्रांस में 1950 में पैदा हुआ था, जो अपनी पूरे जिंदगी में साइकिल, बेडीवी और तो और एक एरोप्लेन भी खा चुके हैं। वो ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जानने के लिए जब डॉक्टरों ने जांच किया तब उन्हें पता चला कि उसके पेट में मोटे मोटे परत है और उनकी पेट में मौजूद एसिड आम लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसके वजह से वो कोई भी चीज को पचा लेता है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है एरोप्लेन को खाना। साल 1978 से साल 1980 के बीच में एक हवाई जहाज को छोटे छोटे टुकड़े करके वो व्यक्ति उसे खा गया है। नंबर 2, क्या आपको पता है सिर्फ पान या फिर गुटखा खाकर थूकने की वजह से इंडियन रेलवे को हर साल ट्रेन साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं? ट्रेन में यात्री के थूकने की गंदगी को साफ करने के लिए 4 गुना ज्यादा पानी चाहिए होती है। अगर लोग रेलवे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पान या फिर गुटखा थूकना बंद कर दे तो ट्रेन साफ करने की खर्च 400 करोड़ जितना होगा। आखिरी फैक्ट जानने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ऐसे ही नए नए फैक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नंबर 1, साल 2017 में रूस में एक कपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस कपल ने ऐसा जुर्म किया जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। वो कपल लोगों को मारकर उनके मांस का अचार बनाकर खाते थे। उन दोनों मिलकर लगभग 30 से भी ज्यादा लोगों को मारकर उनके मांस को खा गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में ऐसे अजीब फैक्ट के साथ। और हाँ, कौन सी फैक्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में लिखना मत भूलना।